दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम आपने सुना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये अकेला ऐसा शासक है जो हर दिन सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वह परमाणु हमले की धमकी हो या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के नाम पर ही क्यों ना हो। पूरी दुनिया किम जोंग उन के सख्त कानूनों के कारण उसे कोसती रहती है। ऐसा माना जाता है कि धरती पर अगर कहीं नर्क है तो वो उत्तर कोरिया ही है। उत्तर कोरिया में रहने वाले लोग बाकी देशों में रहने वाले लोगों की तरह आम जिंदगी नहीं जी सकते। वहां पर ऐसे कड़े कानून हैं कि आम इंसान खुलकर आजादी की सांस भी नहीं ले सकता। इन दिनों किम जोंग उन अपनी खराब तबीयत के कारण सुर्खियों में है। हालांकि कुछ अखबारों ने तो किम की मृत्यु की खबर भी वायरल कर दी थी, लेकिन तानाशाह को इन सभी अफवाहों से पर्दा हटाने के लिए दुनिया के सामने आना ही पड़ा। लेकिन कई लोग तो इस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो शख्स दुनिया के सामने आया था वो किम जोंग उन नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, इसे भी अफवाह ही माना जा रहा है। दोस्तों, आज हम आपको नॉर्थ कोरिया के ऐसे 10 खतरनाक कानूनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आप भूल से भी ऐसे किसी देश में रहने की कामना नहीं करेंगे। तो आइए जान लेते हैं उत्तर कोरिया के 10 खतरनाक कानून। किम का कोई विकल्प नहीं। आप सोच रहे होंगे कि उत्तर कोरिया में चुनाव नहीं होता होगा। आप जानकर चौंक जाएंगे कि उत्तर कोरिया में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन वोट तो सिर्फ एक ही शख्स को डालना पड़ता है क्योंकि किम के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। यानी कि जनता का 100% वोट किम जोंग उन को ही डाला जाता है और वही फिर से तानाशाह बनकर राज करता है। सिर्फ 3 टीवी चैनल्स। उत्तर कोरिया में रहने वाले लोग बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते क्योंकि इस देश में टीवी पर सिर्फ 3 ही चैनल दिखाए जाते हैं। मतलब उत्तर कोरिया के नागरिक वही देखते हैं जो उन्हें उनकी सरकार दिखाना चाहती है। हेयर स्टाइल। उत्तर कोरिया की सरकार ने केवल 28 तरह की हेयर स्टाइल्स को ही मान्यता दी है। इनमें से 10 हेयर स्टाइल्स पुरुषों के लिए और 18 महिलाओं के लिए। यहाँ के लोग अपने मन मुताबिक हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। ये कानून किम जोंग उन ने 2013 में लागू किया है। राजधानी में रहना मना है। दोस्तों, क्या आपको मुंबई या दिल्ली में आने जाने से कोई रोक सकता है? नहीं। लेकिन उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सिर्फ अमीर और समृद्ध लोग ही रह सकते हैं। यहाँ पर गरीब और पिछड़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया से अलग कैलेंडर। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में 2020 चल रहा है, लेकिन उत्तर कोरिया में साल 109 चल रहा है। यहाँ का कैलेंडर पूरी दुनिया से अलग है। ये शुरू हुआ था कोरिया के पूर्व शासक किम इल सुंग के जन्मदिन से। 3 पीढ़ियों तक मिलती है सजा। अगर उत्तर कोरिया का कोई नागरिक जुर्म करता है तो उसकी सजा अगली 3 पीढ़ियों तक दी जाती है। यानी कि अगर दादा कानून तोड़ता है तो उसके पोते को भी सजा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर जुर्म बहुत ही कम होता है। ऐसी सजा मिलेगी तो कौन कानून तोड़ना चाहेगा। 99% लोग शिक्षित हैं। इसे आप उत्तर कोरिया की सबसे अच्छी बात कह सकते हैं। उत्तर कोरिया के 99% लोग शिक्षित हैं और यहाँ पर एजुकेशन अनिवार्य है। पॉर्न देखने पर सजा। उत्तर कोरिया के लोग बाइबल जैसे धर्म ग्रंथ नहीं रख सकते और पॉर्न देखना सख्त मना है। अगर कोई देखता है तो उसे मौत की सजा हो सकती है। वैसे भी लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने को मिलता ही नहीं, तो लोग पॉर्न कहां से देख पाएंगे। नो ट्रैफिक लाइट्स। उत्तर कोरिया में अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको रास्तों पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं दिखेगी। यहां पर ट्रैफिक पुलिस इशारों से ही वाहनों को नियंत्रित करती है। नो इंटरनेट। उत्तर कोरिया में सिर्फ एक ही इंटरनेट कंपनी है जो मात्र 605 लोगों को ही इंटरनेट प्रोवाइड करती है। यहाँ की आम जनता इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती।
आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्या दूसरे देश से लोग उत्तर कोरिया में जा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। अगर आपके पास उत्तर कोरिया की परमिशन है तो आप जरूर घूमने जा सकते हैं, लेकिन वहां पर आप उन्हीं जगहों पर घूम सकते हैं जो सरकार ने तय करके रखी हैं, और आप वहां कई जगहों की और गरीब लोगों की तस्वीर नहीं खींच सकते। उत्तर कोरिया की लगभग आधी से ज्यादा जनता गरीब और भुखमरी की शिकार है, और ये बात उत्तर कोरिया पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये थे उत्तर कोरिया के 10 सख्त कानून। क्या आप ऐसे किसी देश में रहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।